तो भाई स्वागत है आपका मेरा एक नए दिन के एक नए व्लॉग में। तो इस बार क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, उसके बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो यूँ खड़ा अपना छोटा बाजार और ये अपना बड़ा बाजार, बड़ा बाजार बीच में ख़राब हो गया था, यूँ ठीक करा। खैर मैं वो वीडियो बना नहीं पाया, उसके मैं थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह थोड़ी रील्स है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो जाकर चैनल पर ज़रूर देखना। तो फिलहाल इसमें क्या है कि ये जो इसका बम्पर है ये हटा रखा, बम्पर बड़ा अपना वहाँ वो दिख रहा होगा, वो कोने में उधर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसे करेंगे इसमें इंस्टॉल, क्योंकि इसमें आ गई थी थोड़ी सी दिक्कत। ये जो वाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा ना, तो ये यहाँ पे क्या रस्टिंग की वजह से इसमें से धूल मिट्टी वगैरह सारी इसमें अंदर जाती थी, और इसमें धूल मिट्टी पूरी अंदर भर जाती थी धूल वगैरह। तो उसे रोकने के लिए ये खुलवा के इसमें वेल्डिंग वगैरह करवा के ये सारी चीज़ करवाई थी, धूप हो रही बहुत तेज, ठीक है ना। तो इसे करेंगे आज अपना इंस्टॉल। लो भाई अपना शेर है, शेर देखो कैसे आ लिया राजी होता हुआ, चला जा बम्पर दिखा कहाँ है। तो भाई अपना आप इधर चलेंगे, तो बम्पर के भी बुरे हाल हो रहे। ये मेरा थोड़ा सा सामान है जो ये मेरे चाबी पन्ने पड़े रहे, इन्हें भी थोड़ा सेटलमेंट करूँगा। तो बरसात की वजह से क्या आएगी, सब घास वगैरह सब ऐसे ही खड़ा। तो भाई यू बम्पर की अपनी कुछ हालत है, ये देखो भाई बम्पर की क्या हालत हो रही, इसमें पानी वानी इस तरीके से भरा हुआ। तो इसे करेंगे बढ़िया तरीके से क्लीन, और क्लीन करने के बाद अपनी भाई सफारी में करेंगे फिर इंस्टॉल, ठीक है ना। वो करके दिखाऊंगा भाई इसका कैसा लुक आओगा, उसे अच्छे से तरीके से पूरा वॉश करेंगे। और फिर मेरे क्या है कि मेरे आगे के काफ़ी ज़्यादा प्लान है इसमें, तो प्लान का मेरा कुछ ऐसा है, आप बताना कि भाई प्लान ठीक है या नहीं है। एक तो ये देखो थोड़ा सा इसका बम्पर क्या है, थोड़ा सा क्रैक पुराना हो रहा है, या तो इसे चेंज करेंगे या इसे कटिंग करके कुछ इस तरह का ऑफ रोडिंग वाला लुक देंगे कि कहीं पर भी चढ़ा रहे तो यहाँ से इस तरीके से कट जाएगा, या जैसे भी है उस तरीके का, या तो इसी में लुक देंगे या इसे नया चेंज करेंगे बढ़िया करके, क्योंकि इसे रिस्टोर कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि ये काफ़ी टूटा हुआ है। मतलब हो सकता है रिपेयर वगैरह, पर देखते हैं इसका जैसा भी जो भी प्लान रहेगा। बाकी मेरे जो आगे के जो प्लान है वो ऐसा है कि एक तो इसमें जो अपना स्नोरकल होता है एयर इनटेक करने वाला, तो आपने देखा होगा वो इस तरफ से यहाँ से होता हुआ ऐसे एक पाइप सा जाता है, तो वो वाला सोच रहे इसमें इंस्टॉल करने के लिए, और वो मैं अपना घर पे ही बना के लगाऊंगा। क्योंकि भाई घर पे किस तरीके से अपना इंस्टॉल कर सकते हैं, आप भी अपने कर सकते हो, आपका कोई गैराज हो कुछ भी हो उसमें कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ का उसमें इस्तेमाल लगेगा, किस तरीके से उसका इंजीनियरिंग होगी, किस तरीके से बैंड दिए जाएंगे, कहाँ से आउटपुट निकलेगा, तो वह सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ उसका जो अपना बोनट एग्जिट एग्जॉस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि बोनट में जैसे इसका टर्बो इस तरफ है, ठीक है ना, किसी का टर्बो उधर होता है, किसी का वहाँ होता है, किसी का आगे की तरफ होता है, तो उसमें से पाइप वगैरह बैंड करके, तो आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा, जैसे ये देखो ये गाड़ियों के अंदर एग्जॉस्ट किस तरीके से कितना बढ़िया दिख रहा, तो इस तरह का कुछ दिखाने के लिए इसमें कोशिश करूँगा। तो उसमें साउंड भी बढ़िया निकलेगी, और क्या कहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस वगैरह में भी बढ़िया फर्क पड़ेगा, और लुक भी बहुत बढ़िया होगी, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वाली लुक, जो भाई गाड़ी ताकत लगा रही, हंगे लगा रही, तो उसमें भी अपना थोड़ा सा देखेंगे, और थोड़ा सा इसका लाइट पर भी करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि बिल्कुल स्टॉक वाइट कंडीशन में है, तो इस पर भी या तो रैपिंग वगैरह कुछ ना कुछ इसमें करेंगे, देख रहे होंगे इसमें भी हल्का हल्का पानी आ जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं लीकेज होगी, तो छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं, तो उस पर अपना ध्यान देंगे। तो अंदर का देख लो भाई इंटीरियर के क्या है ना फिलहाल ये हालात है, क्योंकि गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी थी, अभी मैंने जाके थोड़ी बहुत ठीक करी, ठीक है ना, गाड़ी स्टार्ट हो रही कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटीरियर भी बहुत थोड़ा सा रद्दड़ हो रखा, तो इसे भी थोड़ा सा ठीक करेंगे, तो सारी आपको डीप क्लीनिंग वगैरह मैं दिखाऊंगा। और जो ये पीछे वाली लाइट है तो इन्हें भी थोड़ा स्मोकी वगैरह करके आपको नया लुक दूंगा। तो भाई चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सा बीच में डिले हो रही थी वीडियो, लेकिन अब क्या है कि वीडियो मैं नहीं चाहता कोई भी बीच में डिले होगी, आपको लगातार इन्फॉर्मेशन वगैरह अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। तो भाई अब दिखाता हूँ मैं इसमें अपना जो बम्पर है वो अपना इंस्टॉल करेंगे उधर से उठा के, तो बम्पर का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या है कि गाड़ी प्रॉपर हो जाएगी, फिर उसमें बाद में अगर अल्ट्रेशन वगैरह करनी होगी अपने ऑफ रोडिंग के हिसाब से, तो वो भी हम अल्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद ही हमें आइडिया मिलेगा। बाकी मैं अगर आपको बताऊँ जो मेरा प्लान था, मेरा प्लान ये था कि जैसे ये वाला एरिया है ना जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, कि इसमें अलग से एक मैं लोहे की किस तरह की जो पत्ती वगैरह होती है वो पूरा मैं ऐसे करके बस ऊपर ऊपर तक रखता, ठीक है ना, जो हमारा बम्पर है ना वो बस यहाँ तक आता, अभी क्या है ना बम्पर यहाँ तक आता है, फिर बम्पर की हाइट होती बस यहाँ तक, तो पीछे का हमारा
बढ़िया हो जाता, पर चलो कोई नहीं, वो भी आप कमेंट करके बताना कि भाई वो कितना कारगर रहेगा, या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी करना चाहिए बाद में, तो उस हिसाब से। तो भाई बने रहो चैनल के साथ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई दबा के, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो भाई फिर मैं आपके लिए बहुत खतरनाक खतरनाक वीडियो बना के लाता रहूँगा। यू अपना छोटा भी जा रहा है, इसमें भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन देखनी है तो वो भी मैं आपकी सारी जानकारी दूंगा, ठीक है ना। और बीच बीच में आपको बताता रहूँगा इंजन में कौन सी चीज़ का क्या काम होता है, किस तरीके से वो वर्क करती है। यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मिस्त्री वगैरह के मतलब पकड़ में नहीं आती कि भाई ये चीज़ ख़राब हुई नहीं हुई, इतना बड़ा फॉल्ट कैसे आ रहा नहीं आ रहा। तो मेरी गाड़ी में एक फॉल्ट आया था, मैं वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है ना। वो पूरी बना के मैंने डाली हुई है, मतलब अब फ़ोन में है, अपलोड नहीं करी, तो उसमें मैं पूरा एडिट करके डालूंगा। फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी मतलब इसमें कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसे हम ट्रैक्टर से टू चैन करके ऐसे घर तक लेकर आए थे, लेकिन फिर भी मैंने यह घर पर ही पूरी की पूरी ठीक करी, ठीक है ना। तो वो ठीक करने का भी थोड़ा बहुत जो प्रोसेस मैं रिकॉर्ड कर पाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा इतना बड़ा कुछ काम नहीं था। लेकिन अगर आप इंजन की कंडीशन देखोगे ना, तो कोई भी मिस्त्री पूरा इंजन खोल कर बैठ जाता, ठीक है ना। जितने भी हमारे लोकल मिस्त्री मिलते हैं, अगर कोई पुराना रमा हुआ मिस्त्री होगा, वो चीज़ को पहचान लगा, डायग्नोज कर लगा, इतनी जल्दी खोल लगे नहीं, नहीं तो नॉर्मल होता। मुझे बोल दिया था भाई कई सारे मिस्त्री ने, इसके तो हेड में दिक्कत आ गई, इसके जो फ्यूल पंप है उसमें दिक्कत आ गई, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, कुछ ना कुछ अपना बताते रहे। तो चलो भाई वो अपना एक दूसरा टॉपिक है, उसे भी किसी दिन कवर करेंगे। तो फिलहाल अपना जो बम्पर है उस हटा के इसमें इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की प्रक्रिया। तो अभी भाई इसमें क्या दिक्कत है कि ये देखो पूरी कितनी गंदी तरीके से इसमें मिट्टी हो रखी, तो इसे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और फिर उसे लगाते हैं। तो भाई पसीने में बुरा हाल हो गया, खैर कोई नहीं। फिलहाल अपना क्या है कि बम्पर हमने धो लिया अच्छे से, जितना अपना क्लीनिंग हो सकती थी बम्पर को धो के इस पर रख लिया। अब इसे थोड़ा सा सूख जाने के बाद तो भाई बम्पर तो अपना इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद क्या है कि मैंने ये वाली सीटें भी यहाँ से निकाल रखी थी, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने एक तो इंस्टॉल कर दी, और दूसरी को लाकर और लगाऊंगे, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कि बम्पर और सीट का कैसा आ रहा। देखो भाई बिना सीट के इतना स्पेस बन जाता है इसमें, और सीट लगाने के बाद ये है, अगर इसको खोल कर दिखाऊँ तो इस तरीके से सीट खुल जाती है, तो दोनों तरफ अपना ऐसी रहेगी। फिलहाल मैंने एक लगा दी, इसे आराम से ऐसे फोल्ड कर दो, तो ये इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, तो बताओ भाई लगाने के बाद फायदा है बिना लगाने के। तो भाई अपना इंस्टॉलेशन जो है वो है कंप्लीट हो गया। तो भाई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। जय श्री राम।